पहले अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज भी लटकाते थे। उससे पहले मुगलों का शासन था, मुगल कब चाहता कि भारत के अंदर भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। लेकिन मोदी जी आए और मोदी जी के आने के दूसरे कार्यकाल में अयोध्या में 500 वर्षों से लटके हुए श्री राम जन्मभूमि से संबंधित मामले का समाधान होता है। आप सबको मैं बधाई देता हूं, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। जरा याद करिए, अगर मोदी जी केंद्र में नहीं होते, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी, मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा, न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश, यहां दिल्ली के बहुत सारे लोग जाते होंगे हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में। पहले कांवड़ यात्रा में कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है, केजरीवाल के नेतृत्व के जितने भी इनके सहयोगी दल हैं जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, इन्होंने कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया, डीजे नहीं बजेगा, संघ नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है, इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे, और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं। लोगों ने कहा कि इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों मैंने बात साफ कही, मैंने कहा देखो भाई भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है, अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। और भाइयों बहनों 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं, कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होता, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से भजन गाते हुए लोग जाते हैं, शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं, भारत की आस्था के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए अपने आप को संकल्पित करते हैं। यही तो भारत के अंदर कांवड़ यात्रा का महत्व है।